एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएं, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने ऐप यूज़ की थी उसका नाम है पिक्सआर्ट, जहां पे मैंने 4 से 5 मिनट की वीडियो के अंदर खुद से आपको एक प्रोफेशनल लोगो जो है वो क्रिएट करना सिखाया था। लेकिन अगर आप मेरी तरह सुस्त हैं और आपके पास 4 से 5 मिनट नहीं हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप कुछ सेकेंड के अंदर सिर्फ अपना नाम चेंज करके एक प्रोफेशनल लोगो जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के एक ही सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। तो बिना किसी डिले के वीडियो करते हैं शुरू। तो इसके लिए मैं जिस ऐप का इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका नाम है लोगो मेकर, आपको प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो इस ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना। इसे डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे इस तरह जो है लोगो वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड, ट्रैवलिंग के रिलेटेड, गेमिंग के रिलेटेड बेशुमार जो है आपको लोगो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मैं कोई भी आपको एक सिंपल सा क्रिएट करके दिखा देता हूँ, फिर आप अपनी मर्जी से उसको अपनी पसंद के लिहाज से डाल सकते हैं। तो आजकल फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा चैनल हैं, तो यहाँ पे मैं एक फ़िटनेस वाला ये जो है इसे यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगा तो अब जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं इन्हें मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इनके कलर, फॉन्ट, हर चीज़ चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, नाम को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है मैं अपने लिहाज से, अपने चैनल के लिहाज से यहाँ पे नाम चूज़ कर लूँगा। तो मैंने इसका अपने चैनल का नाम अगर रखा हो, कोई फिटनेस का चैनल बनाया, तो उसका नाम मैं रखूँगा JD फिटनेस। तो यहाँ पे मैं JD और लिख दिया, और दूसरे का नाम जो है यहाँ पे मैं फिटनेस कर देता हूँ। उसके बाद जी आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर दिए। कलर चेंज करने के बाद मैं इन्हें थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़े से दूर हैं, वो भी चेंज कर दिया। उसके बाद आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं वो करना चाहें तो। इसके साथ साथ आपको ये जो बंदा सा दरमियान में नज़र आ रहा है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपनी पसंद से कर रहा हूँ, आपको जो भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, इन सब के कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक मुझे लग रहा है कि अच्छा कंट्रास्ट बन रहा है हमारे बैकग्राउंड के साथ, तो यहाँ पर मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ। ये सारे ब्लैक हो चुके हैं मेरे ख्याल से, ये ठीक हैं। ऊपर मैं एरो के बटन पर क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो सेव का ऑप्शन हमें देगा, तो यहाँ से मैं अपना जो लोगो है बड़ी आसानी के साथ सेव कर सकता हूँ। लोगो जो है मेरे पास सेव हो चुका है। अब मैं आपको गैलरी के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है, कितना ये HD है। तो ये मैंने अपनी गैलरी ओपन कर ली, यहाँ पर दिखा के ये मैंने जूम किया, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। तो इस तरह आप भी इस ऐप की मदद से कुछ सेकंड के अंदर जो है अपना लोगो यहाँ पे तैयार कर सकते हैं और अपने चैनल की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।